नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई अन्य कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सृष्टि पति के बिना जीवन जीने को मजबूर थी। उसके पति नीरज की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। विशु भी अब 10 साल का हो चुका था। हर साल बरसात में जब भी कहीं पकौड़े बनने की खुशबू आती थी तो सृष्टि का दिल तड़प कर रह जाता था। ऐसा लगता था जैसे बारिश, पकौड़े और नीरज तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। फिर भी सृष्टि विशु के लिए जीवन में अपने दुखों से आगे बढ़कर जीने की कोशिश कर रही थी। विशु ने भी अपना सारा ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई में लगा दिया था। वो वैसे तो सामान्य ही रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर पिता के जाने के बाद से वो बहुत अकेलापन महसूस करता था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहने लगा था। कोई उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर ले, उसके होठों पर मुस्कान आ ही नहीं पाती थी। आस पड़ोस के बच्चे उसे खेलने के लिए बाहर बुलाते थे, लेकिन वो खेलने भी नहीं जाता था। बस माँ के संघर्षों को देखकर उसने सोच लिया था कि उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है और अपनी माँ के संघर्षों को कम करना है। कुछ दिनों के बाद सृष्टि के यहाँ जो बुआ जी रहती थी, उनकी छोटी बहू के गर्भवती होने की खबर मिली। ऐसे समय में बहू की देखभाल करने के लिए बुआ जी गांव वापस चली गई। अब चूंकि विशु भी बड़ा हो गया था, इसलिए वह स्कूल से आने के बाद घर पर अकेले रह लेता था। इसलिए अब सृष्टि को विशु की ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। एक दिन सृष्टि ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि विशु लगभग 8 वर्षीय एक प्यारी सी बच्ची को चॉकलेट दे रहा था। सृष्टि ने बेटे से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? विशु ने कहा कि माँ, ये यहीं पड़ोस में रहती है, इसका नाम पीहू है। ये यहीं खेल रही थी और गिर गई, इसके पैर में मिट्टी लग गई थी, तो मैंने इसके पैर साफ किए और यह बच्ची है ना, तो चॉकलेट देकर इसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। विशु की बातें सुनकर सृष्टि हल्के से मुस्कुरा पड़ी। पीहू ने सृष्टि की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते आंटी। सृष्टि ने प्यार से पीहू के माथे को सहलाया और घर के भीतर चली गई। एक रात सृष्टि और विशु गहरी नींद में सोए हुए थे। बहुत तेज बरसात हो रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिसके कारण सृष्टि की नींद टूट गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को कौन आया होगा, ये सोचते हुए सृष्टि ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर पीहू खड़ी थी। सृष्टि ने जल्दी से दरवाजा खोला तो पीहू रोते हुए बोली, आंटी देखो ना, पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया है, प्लीज मेरी मदद करो ना, उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सृष्टि छाता निकालते हुए बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पीहू भरे गले से बोली, मम्मा तो भगवान जी के पास चली गई है ना। छाता निकालते हुए सृष्टि सन्न रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों को ताजा कर दिया। उसे खामोश देखकर पीहू उसके आंचल को खींचते हुए बोली, आंटी चलो ना, पापा अकेले हैं। सृष्टि ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, रुको बेटा, मैं दवाइयों का डिब्बा ले लेती हूँ। अंदर कमरे में आकर आखिरकार उसके आंसू सारे सीमाओं को तोड़कर बह ही निकले, लेकिन अभी वक्त उसे आंसू बहाने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने नीरज की यादों को किनारे रखकर विशु को जगाया और दवाइयों का डिब्बा उठाकर वो पीहू और विशु को लेकर पीहू के घर पहुंची। पीहू के पापा को देखते ही सृष्टि चौंक गई। ये तो अनुराग था। सृष्टि जब कॉलेज में थी तो अनुराग अपने परिवार के साथ उसी मोहल्ले में रहने के लिए आया था। उसके मम्मी पापा बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे और अनुराग की छोटी बहन दिव्या भी बहुत मिलनसार थी, लेकिन मोहल्ले में अनुराग की छवि एक गैर जिम्मेदार लड़के की थी जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल मटर गश्ती करते रहता था। जब सृष्टि ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसी साल अनुराग के पापा का ट्रांसफर हो गया था और उसका परिवार दूसरी जगह चला गया था। उसके बाद सृष्टि की भी शादी हो गई थी और वो आज अनुराग को देख रही थी। उसे इस हालत में देखकर सृष्टि को बहुत अफसोस हुआ। अनुराग को बहुत ठंड लग रही थी तो सृष्टि ने उसे मोटी सी रजाई ओढ़ा दी, दवाई के डिब्बे से एक बुखार की गोली उसे खिलाई। अनुराग उस समय सृष्टि का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था,
थोड़ी देर के बाद अनुराग का बुखार कम हो गया और वो सो गया था। सृष्टि पीहू को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उस रात वह विशु के साथ वहीं रुक गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनुराग ने अपनी पलकें खोली, वह उठकर बाहर आया। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने हॉल में सृष्टि को देखा तो चौंक गया और झट से बोल पड़ा, अरे सृष्टि, तुम यहाँ कैसे? सृष्टि उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम्हारी बेटी मुझे यहाँ बुला कर ले आई। कल रात को तुम्हें ज्यादा ही बुखार हो गया था। अनुराग ने हंसते हुए कहा, हाँ कभी कभी बीमारी इंसान पर हावी हो जाती है। और ये तुम्हारा बेटा है क्या? अनुराग ने विशु की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, ये मेरा बेटा है। सृष्टि की सुनी मांग देखकर अनुराग ने उससे उसके पति के बारे में कोई सवाल नहीं किया। सृष्टि ने धीरे से कहा, मुझे पीहू की माँ के बारे में पता चला। क्या हुआ था उन्हें? अनुराग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाय बना कर ले आता हूँ। सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, अरे चाय मैं बना देती हूँ, तुम अभी तो बुखार से उठे हो। अनुराग हंसते हुए बोला, मुझे तो यह सब करने की आदत हो गई है। तुम रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ, और हाँ, पिछली रात को मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। सृष्टि हौले से मुस्कुरा उठी। सृष्टि ने सुबह दोनों बच्चों को दूध गर्म करके पिला दिया था। दोनों बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। सृष्टि अनुराग के साथ बालकनी में आकर बैठ गई। अनुराग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि जिंदगी इंसान को कितना बदल कर रख देती है। एक वो समय था जब मैं ना तो कोई जिम्मेदारी उठाना चाहता था और ना ही घर में मेरा मन लगता था, लेकिन आज देखो वक्त कैसे बदल गया। कहते हुए वह दूर कहीं खो गया। सृष्टि अपलक उसे निहार रही थी। अनुराग ने आगे कहा, मेरी बहन दिव्या याद है ना तुम्हें? पीहू दिव्या की बेटी है। यह सुनकर सृष्टि उसे हैरानी से देखने लगी। अनुराग ने आगे कहा, पीहू को जन्म देते हुए दिव्या हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। उसके ससुराल वालों ने इस नन्ही सी बच्ची को अपने पास रखने से इनकार कर दिया, इसलिए हम पीहू को अपने साथ लेकर आ गए। पीहू के जन्म के 2 सालों के बाद मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए, और तब से पीहू के लिए माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। पीहू इस बात को नहीं जानती है कि मैं इसका पापा नहीं हूँ, और ये सच्चाई बताकर मैं इसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। सृष्टि की आंखों में पानी आ गया था। वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? अनुराग फीकी सी मुस्कान के साथ बोला कि चाहता तो मैं भी यही था कि मेरी भी गृहस्थी बस जाए, अकेले रहते रहते मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन जिस भी लड़की से रिश्ता जोड़ने की सोचता हूँ, वो पीहू की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हुई। अभी तक मैं अपनी मिस परफेक्ट के इंतजार में हूँ। आज बहुत दिनों के बाद अनुराग का दिल हल्का हुआ था। उसने सृष्टि की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम यहाँ अकेली ही रहती हो? सृष्टि बुझे स्वर में बोली, मेरे पति नीरज की मृत्यु के बाद से मैं यहीं रहती हूँ। मेरे साथ मेरी बुआ जी रहती थी, लेकिन अभी वह गांव गई हुई हैं। बेबाक अनुराग ने अचानक से पूछ लिया, और तुमने दोबारा गृहस्थी बसाने की नहीं सोची? यह बात सुनकर सृष्टि ने पलके झुकाते हुए कहा, मैं नीरज से बहुत प्यार करती हूँ, और किसी और को वो स्थान देकर मैं उनकी यादों के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती। अनुराग दार्शनिक भाव से बोला, किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, किसी की यादें दिल में बसा कर रखना अलग बात है, और अकेले जिंदगी की कठिनाइयों से जूझना अलग बात है। क्या कभी विशु को पापा की जरूरत महसूस नहीं होती होगी? मुझे देखो, सब कुछ खोकर भी मेरे मन में जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया है। जानती हो, पीहू को संभालने के लिए मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर उसी स्कूल में क्लर्क की नौकरी कर ली जहाँ पीहू अभी पढ़ती है, ताकि मैं उसका अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि पीहू को एक माँ की जरूरत है जो मैं चाह कर भी पूरी नहीं कर पाता हूँ। खैर, जिंदगी तो चलती ही रहती है, देखते हैं आगे जिंदगी ने मेरे लिए क्या सोच कर रखा है। सृष्टि खामोश ही रही। अनुराग ने भी उसके दर्द को और छेड़ना उचित नहीं समझा। अनुराग के घर से वापस आने के बाद सृष्टि एक अलग एहसास से भर चुकी थी। बार बार उसे अनुराग का चेहरा याद आ रहा था। इतना गैर जिम्मेदार लड़का कितना संवेदनशील और जिम्मेदार बन गया था। पीहू के प्रति उसके मन में ममता उमड़ आई थी कि इतनी छोटी बच्ची माँ के प्यार के बिना कैसे जी रही है।
अब ऑफिस से आने के बाद अक्सर सृष्टि पीहू को अपने घर पर बुला लेती थी और उसे अपने हाथों से उसको कुछ न कुछ बनाकर खिलाती रहती थी। कभी कभी अनुराग भी सृष्टि और विशु को अपने घर पर कुछ स्पेशल खाने के लिए बुला लेता था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत भी ज्यादा ही होने लगी थी। सृष्टि और अनुराग एक दूसरे की छोटी छोटी मदद करते करते एक दूसरे की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। अनुराग के दिल में कई दिनों से एक बात चल रही थी, लेकिन सृष्टि के सामने अपनी बात रखते हुए उसे हिचकिचाहट हो रही थी। फिर भी आखिरकार हिम्मत करके उसने एक दिन सृष्टि से कह ही दिया कि सृष्टि, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक छोटा सा परिवार बना ले। बच्चों को मम्मी पापा दोनों का साथ मिलेगा और हम भी अपने दोनों बच्चों की परवरिश साथ मिलकर कर लेंगे। जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है और यह सफर अकेले काटना इतना आसान नहीं होता। सृष्टि को अचानक से कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले और वह चुपचाप उठकर वहां से चली गई और उस दिन के बाद से वह अनुराग के सामने आने से कतराने लगी। अनुराग ने भी उससे हंसना बोलना छोड़ दिया था। वो एक अपराध बोध से भर उठा था कि पता नहीं शायद उसने सृष्टि का दिल दुखा दिया है। सृष्टि बहुत कश्मकश में थी। एक तरफ नीरज की यादें उसके अंतर्मन में बसी हुई थी और दूसरी तरफ बार बार अनुराग का व्यक्तित्व उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक रात सृष्टि ने अपने सपने में नीरज को देखा। नीरज उसे अपने पास बुलाकर कुछ कहना चाह रहा था। सृष्टि भागती हुई उसकी ओर जा रही थी, लेकिन तभी बीच में अनुराग आ गया। नीरज ने सृष्टि को अनुराग के पास जाने का इशारा किया और हाथ हिलाकर अलविदा कहकर बोला कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके बाद नीरज का चेहरा धुंधला होता गया और अनुराग का चेहरा स्पष्ट होता चला गया। सृष्टि चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो नीरज की तस्वीर के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था नीरज आज खुद उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा हो। अगले दिन सुबह सृष्टि ऑफिस के लिए निकल रही थी, तब उसने देखा कि अनुराग सब्जियों का थैला लेकर चला आ रहा है। उसे देखकर सृष्टि ने नजरें झुका ली। तभी एक बाइक सवार ने अनुराग को टक्कर मार दिया। ये दिल दहला देने वाला नजारा देखकर सृष्टि भागती हुई अनुराग के पास पहुंची। घबराहट के मारे सृष्टि के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो अनुराग का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, अनुराग तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। एक बार नीरज को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकती। अनुराग के पैर में हल्की सी चोट लगी थी। उसने कराहते हुए कहा, अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतना रो क्यों रही हो। सृष्टि के चेहरे पर खुद के लिए इतनी चिंता के भाव देखकर अनुराग दर्द में भी उल्लासित हो उठा। अनुराग ने सृष्टि की आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, इसी बहाने कम से कम तुम्हारे दिल की बात तो पता चली। यह सुनकर सृष्टि शर्मा गई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए ऑटो बुलाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गई। अनुराग दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। आज उसे उसके जीवन की मिस परफेक्ट मिल गई थी। अगली बरसात के मौसम तक सृष्टि और अनुराग विवाह सूत्र में बन चुके थे। दोनों बच्चे भी मम्मी पापा दोनों को साथ में पाकर बहुत खुश थे। सृष्टि भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी। एक दिन शाम को तेज बारिश होने लगी थी। अनुराग बेडरूम में आया और बहुत ही प्यार से मनुहार करते हुए कहने लगा, सृष्टि देखो ना कितना अच्छा मौसम हुआ है, चलो मैं पकौड़े बनाता हूँ और तुम चाय बना लेना। सृष्टि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज अनुराग की वजह से उसकी पकौड़े वाली बारिश फिर से लौट आई थी। नीरज की यादें तो उसके दिल में थी ही, लेकिन अब उसे अनुराग के साथ भी कुछ मीठी यादें बनानी थी। दोस्तों, कभी कोई खास जीवन से चला जाता है तो भी जिंदगी तो नहीं रुकती है, इसलिए जिंदगी अगर आगे बढ़ने का दूसरा मौका दे तो उस मौके को प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।